डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है हिंदी ग्रामर के अंदर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखो। बच्चे डर जाते हैं, अरे बाप रे क्या पूछ लिया, डरने की जरूरत नहीं। फिर उसी का दूसरा पार्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखो। भेद मतलब टाइप, वाक्य मतलब सेंटेंस। अगर वो कोई भी एक लाइन लिख के देते हैं तो हमें उसको देखकर समझना है कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, और फिर हमें लिखना है उसका भेद। भेद मतलब टाइप। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि पहले हम उसका एग्जांपल करेंगे फिर इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो उदाहरण दिए हुए हैं। पहला है वाक्य, काकी उठो भोजन कर लो। काकी उठो भोजन कर लो, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। ये इसका अर्थ, वाक्य का जो अर्थ बनता है वो ये कि कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई किसी से रिक्वेस्ट करता है तो उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? या तो कोई आज्ञा दे रहा है, ठीक है, कोई किसी चीज़ को करने के लिए मना कर रहा है, कोई संदेश दिया जा रहा है, या कोई सिंपल सी बात कही जा रही है, कोई सवाल हो रहा है, या फिर कोई ऐसी बात जिस पे बहुत ही एक्साइटमेंट हो या फिर आश्चर्यचकित हो जाए इंसान। तो ऐसा अर्थ, कौन सा अर्थ इसमें से समझ में आता है? तो काकी उठो भोजन कर लो, ये एक तरह का ऑर्डर है, पोलाइट ऑर्डर, मतलब शांत तरीके से दिया गया एक आज्ञा है, काकी उठो भोजन कर लो। तो उसको हम बोलेंगे समझने के बाद में कि ये कौन सा भेद है, आज्ञार्थक। ये है आज्ञार्थक वाक्य, मुझे मिलेंगे 1 मार्क्स। बिल्कुल इसी तरह एग्जाम में सॉल्व करना है। दूसरा उदाहरण दिया है, क्या सवाल पूछना गलत है? तो ये 6 टाइप के सेंटेंस जो अर्थ के हिसाब से बताए जाते हैं, उसमें से ये एक सवाल है, प्रश्न है। तो इसको हम बोलेंगे प्रश्नार्थक, क्योंकि सवाल किया जा रहा है। तो ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताए ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में लिखना कैसे होता है, और ये जो वाक्य भेद हैं अर्थ के आधार पर उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब यही है कि आप पहचानो कि उस दिए हुए वाक्य का अर्थ बन क्या रहा है, और उसी हिसाब से उसमें 6 टाइप्स हैं और हमें सिलेक्ट करके किसी एक को लिखना है। ठीक है, वो जो टाइप्स हैं अर्थ के आधार पर, जो टाइप्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ी देर में, तो आपको नाम भी पता चल जाएंगे, स्पेलिंग भी लिखने आ जाएगी, और आपको पहचानना समझ में आ जाएगा कि 6 टाइप होते हैं, तो जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसको हमें लिखना है। अब बढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद इस तरफ। तो इसमें भी उदाहरण से आपको समझाता हूँ। वहाँ पे था, वाक्य देखकर हम समझते थे कि उसमें कहना क्या चाहा जा रहा है। रचना के आधार का मतलब होता है कि जिस तरह से लिखा गया है उसके पीछे अर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है,
जिस तरीके से वाक्य को लिखा गया है उस तरीके से कौन सा भेद वाक्य का भेद बनेगा। उसमें 6 टाइप के होते हैं, तो वाक्य पढ़कर समझना और उसे पहचानना होता है कौन सा टाइप है। इसमें 3 टाइप के होते हैं और वो देख के पहचाना जाता है, अर्थ के हिसाब से नहीं, सिर्फ देख के कि वो लिखा कैसे गया है। तो चलिए इसका 2 उदाहरण देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं। पहले उदाहरण में वाक्य है, हर ओर से अब वह निराश हो गया था। हर ओर से, ये जो पार्ट है हर ओर से, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं बनता है, नहीं बनता है। इतने पार्ट का कोई मीनिंग नहीं। हर ओर से जब ये पूरा ज्वाइन हो जाता है तो मीनिंग बन जाता है। तो इसका मतलब कैसा, ये मिक्स करके एक सेंटेंस बनाया गया है। मिक्स को हिंदी में कहते हैं मिश्रण, या मिक्स को मिश्रण कहते हैं। इसी वजह से इस वाक्य को हम बोलेंगे मिश्रित वाक्य। तो हमने इसको कैसे पहचाना? हमने देखा कि उसकी लिखावट कैसे हुई, उसकी बनावट कैसे हुई है, तो हम देखकर उसको पहचान रहे हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं रचना के आधार पर। रचना मतलब बनावट। तो कैसे एक सेंटेंस बना हुआ है उसको देख के हम पहचानते हैं। तो इसके अंदर ना मिक्स्ड, एक कंप्लीट पार्ट था, एक मिक्स्ड पार्ट था, दोनों को ज्वाइन किया गया है, इसलिए उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। अब जो दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा है अभी वही नियम चल रहा है क्योंकि लोग बदलना नहीं चाहते। तो इसमें 2 वाक्य हैं और दोनों अपने आप में एक मीनिंग रखते हैं। मिक्स इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है। इसमें 2 अलग-अलग पार्ट हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। तो इस वाक्य को देखकर पता चलता है कि अभी वही नियम चल रहा है, लोग बदलना नहीं चाहते। ये 2 बातों को क्योंकि शब्द से जोड़ा गया है, ना कि मिक्स किया गया है, इस वजह से इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। इस तरीके से ये 2 उदाहरण थे रचना के आधार पर वाक्य के भेद यानी उसके टाइप्स पहचानने के लिए। तो 2 टाइप तो आपको यही समझ में आ गए। तीसरा जो है वो एकदम सरल वाक्य होता है, यानी उसमें ना तो मिक्स किया होता है, ना तो कोई 2 वाक्य ज्वाइंट होते हैं। वो छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस होता है, इसीलिए उसको कहते हैं सरल वाक्य। तो ये पार्ट तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया कि रचना के आधार पर 3 टाइप्स होते हैं, 2 इस तरह होते हैं और जो तीसरा है वो सरल वाक्य होता है, जो एकदम ही सीधा साधा सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह हम पहचान जाएंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। वहाँ पर 6 टाइप्स होते हैं, तो चलो वो 6 टाइप के जो होते हैं उनको समझ लें कि वो कौन से टाइप्स हैं और उनके नाम क्या हैं। क्योंकि यहाँ पे नाम तो हमने सीख लिया, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इसकी स्पेलिंग भी देख ली, लिखते कैसे हैं आंसर वो तरीका भी देख लिया, और तीसरा जो है सरल, सरल ट्रेनिंग सेंटर वाला सरल वाक्य, तो वो भी लिख लेंगे। अब हमें सिर्फ उसके टाइप्स सीखने हैं, कैसे पहचानना है और उसके स्पेलिंग देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि इस तरफ 3 वाक्य के भेद लिखा हुआ है, नाम जो रचना के आधार पर है, इसे आपने समझ भी लिया है। उस तरफ देखा जाए तो आपको
वाक्य भेद दिखाई दे रहे हैं जो अर्थ के आधार पर होते हैं। ये रचना के आधार पर है और वो अर्थ के आधार पर। तो पहला जो टाइप है वो है विधानार्थक वाक्य, मतलब सीधा साधा वाक्य होगा जिसमें सिर्फ एक बात कही गई होगी और कोई भी उसमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बस एकदम सीधा साधा वाक्य। निषेधार्थक मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं, मत, ना, ये सारे शब्द इस्तेमाल होंगे। मना, नहीं, ना, मत। तो ये इस तरह के वाक्य अगर आपको दिखाई दिए जिसमें किसी बात को मना किया जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे निषेधार्थक। तीसरा है प्रश्नार्थक, तीसरा जो है प्रश्नार्थक। तो ये तीन को समझना और पहचानना बहुत आसान है। प्रश्नार्थक निषेधार्थक विधानार्थक, ये तीन को पहचानना बहुत आसान है। जो चौथा वाक्य है इसको भी पहचानना बहुत आसान है। जहां पर भी आपको ये निशानी दिख जाती है वो विस्मयार्थक वाक्य होगा। आज्ञार्थक वाक्य, किसी को आज्ञा देना, ये करो, खाना खा लो, चले आओ, बैठो, थोड़ा तो समझ जाओ, मेरी बात मान लो, इस तरह किया करो। तो जैसे ही आपको कोई भी आज्ञा यानी ऑर्डर ऑर्डर देना, कमांड देना, या आपको ऐसा लगे कोई रिक्वेस्ट भी हो रही है तो उसको आज्ञार्थक वाक्य बोलेंगे। ये पहचानने के तरीके बता रहा हूँ। आखिरी जो बचेगा वो एक संदेश सूचक वाक्य होगा। संदेश सूचक वाक्य जिसके अंदर हम किसी भी बात का संदेश देते हैं। तो जो संदेश सूचक वाक्य होता है उसमें क्या होता है कि जिस वाक्य के संदेह यानी शक का संभावना होता है, संदेह वहां पे संदेश लिखा हुआ है उसको संदेह करिए। जिस वाक्य के पढ़ने से और उसके अर्थ में कोई शक या कोई डाउट का संभावना होता है उसे संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया होगा, क्या वो घर चला गया होगा, शायद बारिश होगी। तो इस तरह के जो संदेह बताने वाले यानी शक जताने वाले वाक्य होते हैं उसे हम कहते हैं संदेह सूचक वाक्य। तो ये जो स्टार्टिंग के पांच है इनको पहचानना आसान है उनकी साइन और उनके अर्थ को समझकर, और लास्ट वाला जो है जिसमें शक पैदा होता है ऐसे वाक्यों को हम बोलेंगे संदेह सूचक वाक्य। तो ये था रचना के आधार पर और ये है अर्थ के आधार। तो आपको दोनों टाइप के वाक्य के भेद पता चल गए। लिखना कैसे है ये भी मैंने बता दिया, एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इनकी जो स्पेलिंग्स है और पहचानने का तरीका है वो आप ध्यान में रखिए। बस इस टॉपिक का 2 मार्क्स आपको गारंटी मिलेगा।
और इसके साथ साथ में आपके टेक्स्ट बुक की जो एक्टिविटी है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन।